हाय गाइस, वेलकम टू द एग्जाम डेली। आज का वीडियो में हम देखने वाला है तो ये बोर्ड में मिनिस्टर ऑफ एमएस अमी में आपको रिकमेंड नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उसके बारे में हम अभी फुल डिटेल देखने वाले गाइस। तो बिकॉज़ हम अभी वीडियो में जाएगा, हम जो फर्स्ट देख रहे हैं कोयर बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया करके हम अभी देखेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट हम देखने वाला है कोयर बोर्ड का जो अपने इसका अंडर रहते हैं, एमएस एमई का अंडर रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएस एमई। एमएस एमई मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब इसको शॉर्टली एमएस एमई बोलते हैं। इसका इसके साथ इसके जो नीचे बोलते हैं कोयर बोर्ड, इसके साथ ही रहते हैं। तो इसका कोयर बोर्ड के क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया है, क्या इसको क्वालिफिकेशन दिया करके हम अभी एक एक दे देगा। फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन जैसे दिया है, सो इसका फर्स्ट सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, पे मैट्रिक्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल अपरेज लिमिट, जैसे आपको बॉक्स तौर पे सेपरेट से दिया है, एक एक हम अभी देखेगा। फर्स्ट देखो तो नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियरिंग में आपको दिया है। इसका पे लेवल देखेगा तो 5600 टू 1,77,500 तक आपको रहेगा। एंड देन इसका नंबर ऑफ वैकेंसी, एक ही पोस्ट फॉर एससी के लिए दिया है। इसका क्वालिफिकेशन देखेगा मतलब इसका डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मशीन स्ट्रक्चर इसमें आपको चाहिए। एंड देन फर्स्ट का अपर एज लिमिट देखेगा तो 35 इयर्स आपको क्लोजिंग डेट दिया है। क्लोजिंग डेट पे आपको 35 इयर्स अपने फिनिश होना चाहिए लग रहा है, इसे आपको दिया है। एंड देन आपको नेक्स्ट आपको दिया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन फॉर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, और इसको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का डिपार्टमेंट में दिया है। लेवल ऑफ 10 पे स्केल में 56,100 to 1,77,500 सेम आपको दिया है पे स्केल। इसका भी पोस्ट एक ही है, इसका सेकंड क्लास बैचलर डिग्री टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में फिनिश होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी आपको इसमें भी फिनिश करते भी चलेगा। एंड इसको 40 इयर्स के एक्स्ट्रा नहीं, 40 इयर्स से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 40 इयर्स तक जो लोग उन लोग पोस्ट में उसको अप्लाई कर सकता है। इसका एक ही पोस्ट कैस्ट क्या दिया, यूआर का कैटेगरी के एक ही पोस्ट दिया है। एंड देन आपको नेक्स्ट आपको साइंटिफिक रिसर्च इंजीनियरिंग, इसका पे स्केल देखेगा तो 35,400 to 1,12,400 तक दे रहा है। सो इसका एक ही पोस्ट फॉर्दर, इसका कैटेगरी देखेगा तो ओबीसी कैटेगरी एक ही पोस्ट दिया है। इसका स्टडी क्वालिफिकेशन देखेगा मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बैचलर्स डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने फिनिश होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो भी चलेगा। इसका नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स का, मतलब 30 इयर्स का अपने एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जो 30 इयर्स का अंदर लोग इसको अप्लाई कर सकता है। एंड द नेक्स्ट देखेगा तो शोरूम मैनेजर ग्रुप 3 जैसे दिया है, इसका लेवल 6, इसको लेवल 6 दे रहा है, 35,400 to 1,12,400 के जो इसमें आपको पे स्केल दे रहा है। फॉर 4th पोस्ट दिया है, इसमें कौन सा कैटेगरी को सेपरेट करके दिया है, इसमें देखेगा तो फॉर 2 फॉर ओबीसी एससी को एक ही दे रहा है, एंड फॉर यूआर को एक पोस्ट दे रहा है। आउट ऑफ 4 1 वैकेंसी में आपको मिलेगा। सो अंदर नेक्स्ट आपको डिग्री ऑफ आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में 2 इयर्स एक्सपीरियंस मार्केटिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपने फिनिश होना चाहिए। इसका ये इसका देखिए मतलब 35 इयर्स, इसका एज क्वालिफिकेशन 35 इयर्स का आपने होना चाहिए, जो 35 जो अंदर लोग उसको अप्लाई कर सकता है। एंड देन 5th पोस्ट आपको असिस्टेंट लेवल 6 दे रहा है। एंड देन 9th पोस्ट फर्स्ट सेकेंड क्लास ग्रेजुएट तो भी चलेगा, इसको 20 इयर्स एज क्वालिफिकेशन दिया है। मैं आपको शॉर्टली बता के आ रहा हूँ, फुल डिटेल ओपन करके देख लो गाइस, क्योंकि ज्यादा इसको रिक्वायरमेंट इसका पोस्ट ज्यादा है। सो ये एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया है, सो फुल टाइटल कॉलम ज्यादा है, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, फुल डिटेल आपने चेक करके देख लो। एंड देन 7th पोस्ट देखा मतलब जूनियर स्टेनोग्राफ, इसको 25,500 to 81,000 तक दे रहा है। 4th पोस्ट एंड देन एसएसएल से 10th क्वालिफिकेशन तो भी चलेगा। एंड देन 30 इयर्स का जो एज क्वालिफिकेशन, इसका एज क्वालिफिकेशन देखेगा मतलब 30 इयर्स के अंदर रहना चाहिए। एंड देन आपको 8th मैकेनिकल ग्रुप 3, इसका लेवल 4 दे रहा है, एक ही पोस्ट दे रहा है, इसको अभी पास इन KGTE और MGTE में वर्कशॉप मैकेनिक में फिनिश होना चाहिए। इसका एज क्वालिफिकेशन बिलो 30 मतलब जो 30 का अंदर रहते हैं उन लोग कर सकता है। एंड देन हिंदी टाइपिस, इसका 10th क्वालिफिकेशन बस। एंड देन आपको 30 इयर्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन दिया है। एंड देन 10th लोअर डिविजनल ग्रुप लेवल 2 एक ही पोस्ट दिया है, 10th ओके। एंड इसको 25 एज क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट सेल्समैन ट्रेनिंग असिस्टेंट, सो ये दोनों को भी SSLC बस हो गया। एंड देन इसका 30 आपको दिया है एज क्वालिफिकेशन। 13th वन मशीन ऑपरेटर लेवल 2 दे रहा है, पे स्केल एक ही पोस्ट फॉर ओबीसी।
एंड देन आपको आईटीआई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सो आईटीआई फिनिश होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और फिटर, ये दोनों में जो भी चलेगा। एंड स्टेज क्वालिफिकेशन देखेगा, मतलब 35 ईयर्स के अंदर जो लोग उसमें अप्लाई कर सकता है। एंड देन जो इसका ऑनलाइन अप्लाई मोड देखे तो फुल एंड फुल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी भी ऑनलाइन में पे करना है। एंड देन आपको क्या एज क्वालिफिकेशन दिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स को क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तभी 18 ईयर्स के स्टार्ट शुरू होना चाहिए। एंड देन आपको एंडिंग का एज क्वालिफिकेशन आपको टैबलेट कॉलम में दिया है। सो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट देखेगा, आपको क्लोजर डेट दिया मतलब 15/08/2021, जो आपको क्लोजर डेट भी ये है उसका डेट में आपको कैलकुलेट करना है आपको 18 ईयर्स, अब 18 ईयर्स आपको शुरू हुआ है करके। एंड देन नेक्स्ट आपको नेक्स्ट और पोस्टर्स दिया है, वो भी एक बार चेक करेगा हम लोग। सो नेम ऑफ द पोस्ट, सीनियर इंजीनियरिंग साइंटिफिक, जैसे प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग दिया है, सो इनिशियल पोस्टिंग आपको कितना देगा, कब किधर देगा करके वो भी दिया है, कैटेगरी वाइज दिया है, वो भी एक बार चेक करके देख लो। एंड देन आपको नोट जैसे क्वालिफिकेशन जो कौन सा इंपॉर्टेंट जैसे दिया है। एंड देन आपको एप्लीकेशन फी देखेगा, मतलब फॉर सीरियल नंबर 1 एंड 2 के लिए 500 आपने पे करना है, एंड देन 3 to 5 के लिए 400 पे करना है, एंड देन सीरियल नंबर 6 to 13 तक आपको 300 rupees पे करना है। एंड देन नो फी फॉर ST/ST/PWD एंड देन ex-servicemen फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फी नहीं है। सो बाकी लोग फी पे करना है, सीरियल नंबर वाइज आपको दिया है, जो सीरियल नंबर 1 में पोस्ट है ना वो पोस्ट अप्लाई करेगा तो 500 पे करना है, जैसे आपको एक एक सीरियल नंबर एंड देन आपको एप्लीकेशन फी अलग से दिया है। सो फीस भी फुल एंड फुल ऑनलाइन मोड में पे करना है। एंड देन मोड ऑफ सेलेक्शन आपको दिया है, फर्स्ट आपको रिटन एग्जामिनेशन रहेगा एंड देन आपको सिलेक्शन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू जैसे रहेगा। एंड देन नेक्स्ट आपको नोट जैसे भी दिया है कौन सा एक्स सर्विस मैन एंड देन PWD कैटेगरी कैसे रहना है करके, वो जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे भी दिया है, वो भी एक बार चेक कर लो। ओके गाइस, आज का वीडियो फिनिश हो गए, आज का वीडियो आपको यूजफुल रहेगा लग रहा है, आज का वीडियो जैसे आपको यूजफुल वीडियो जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आपको तुरंत चाहिए तो एग्जाम डेली को सब्सक्राइब कर दो, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आते हैं आपको आपको फटाफट आ जाएगा। ओके गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूँ।